खबर बगहा से है, जहां भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बगहा में राज्यसभा सांसद सतीश चंद दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही तीन प्रदेशों में मिले बहुमत पर केंद्रीय नेतृत्व सहित स्थानीय भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जहां भाजपा सत्ता में नहीं आई, वहां भी हमारा वोट प्रतिशत दोगुना बढ़ा है। उन्होंने कहा कि झारखंड में कांग्रेस राज्यसभा सांसद के यहां छापेमारी में अभी तक करीब 300 करोड़ नकदी की बरामदगी हुई है, जो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको गिनने के लिए 6 मशीनें लगाई गई हैं, फिर भी राशि की गिनती अधूरी रह गई। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़े गए हैं। राज्यसभा सांसद के यहां बरामद पैसा झारखंड सरकार का है। उन्होंने बताया कि 2018 में राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने चुनाव के दौरान अपनी संपत्ति 34 करोड़ घोषित की थी। वहीं उनके यहां ईडी की छापेमारी में 300 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, जो ये साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी के लोग भ्रष्टाचार में किस प्रकार लिप्त है। उन्होंने कहा कि ये जांच का विषय है। राज्यसभा सांसद के यहां 300 करोड़ नकदी रुपए कहां से आए और ये रुपए किसके हैं? पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी जमीन घोटाले में लिप्त हैं। जब जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो किसानों की गाड़ी कमाई की लूट खसूट मच जाती है। इससे साबित हो रहा है कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है। आज मैं आपके माध्यम से भाई नरेंद्र मोदी जी को, जेपी नड्डा जी को, तीन प्रदेश का जबरदस्त रिजल्ट जो भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और विभिन्न जगहों पर जहां चुनाव हो रहा था वहां हमारा प्रतिशत वोट बढ़ा है। जहां पहले 7% मिलता था वहां अब 14% वोट बढ़ के हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का लोकप्रियता भाई नरेंद्र मोदी जी का गारंटी देश की जनता भरोसा कर रही है। और आप लोग के माध्यम से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, भाई नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। और दूसरा विषय है आज का कि कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद जो धीरज प्रसाद साहू जी हैं, तीसरा बार कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के सांसद चुने गए हैं। 2018 में अपनी संपत्ति की ब्यौरा उन्होंने जब दिया है तो 34 करोड़ लगभग संपत्ति का ब्यौरा उन्होंने दिया है और आज उनके यहाँ 300 करोड़ लगभग रुपया पकड़ा गया है और 6-6 मशीन लगा है उस नोट को गिनने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि झारखंड में जो कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है, जो झारखंड में भ्रष्टाचार हुआ है, उसके हिस्सा का रुपया माननीय राज्यसभा सांसद धीरज साहू जी के यहां पकड़ाया हुआ है। और झारखंड सरकार लूट मचाई हुई है। जब जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो उसका इतिहास गवाह है कि पब्लिक की गाढ़ी कमाई को अपनी संपत्ति मान बैठती है, चाहे उसका पीएम क्यों ना हो, चाहे उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों ना हो। पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी, राहुल जी रहे हैं, उनके ऊपर भी घोटाला का केस चल रहा है, जमीन घोटाला, फलाना घोटाला का, जो अभी बेल पे है लोग। तो हम कह सकते हैं कि जब जब सत्ता में कांग्रेस आती है, पब्लिक की गाढ़ी कमाई को अपनी संपत्ति मान बैठती है और भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाती है। वही नतीजा है धीरेंद्र प्रसाद साहू जी का जो आज झारखंड में हुआ है। यही बस कहना था और चलने का ढंग नहीं है, आंगन में टेढ़। भ्रष्टाचार करिएगा और मोदी जी को दोष दीजिएगा कि ईवीएम मशीन लूट लिया गया, उसको हैक कर लिया गया, फलाना कर लिया गया। ऐसे थोड़े होता है, ऐसे नहीं होता है। पब्लिक की जन की विश्वास जितना हो
तो मोदी से सबक लेना चाहिए कांग्रेसियों को। आज विश्व का लीडर बने हुए हैं मोदी।